55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स दमोह, बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा एंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। LIC में बाहरी एवं ग्रामीण एजेंट भर्ती, 6000 हर माह और 25000 से अधिक का कमीशन, केवल 280 पद, योग्यता 10वीं पास, उम्र 25 वर्ष से अधिक। जल्द संपर्क करें आशीष जैन, भर्ती अधिकारी, मोबाइल नंबर 90980-13-269। दमोह जिले में अपराध थमने का दाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन दमोह जिले में गोलीकांड, चाकूबाजी की घटनाएं सामने आती हैं और अब तो इन चाकूबाजी की घटनाओं से पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। दमोह जिले के जाने माने पत्रकार IBC 24 के संवाददाता के ऊपर आज मगरौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत चाकू से हमला किया गया है, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में सिविल अस्पताल हटा लाया गया, जिसके बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची और तत्काल ही हटा SDOP भी थाने पहुंचे और घायल से संबंधित जानकारी ली गई। वहीं घटना के संबंध में पत्रकार जितेंद्र गौतम के द्वारा विस्तार से जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा गया, आइए सुनते हैं। पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्या हुआ है, खबर चलाई थी? कोई अखिलेश गर्ग नाम का है, उसने फोन लगाया, उसने हमें मगरौन बुलाया। हमने क्या हुआ था कि कल खबर चलाई थी, RES विभाग के 3 स्टाफ डैम बनाए जा रहे थे, एक सगरौन में और एक सुनवाहा में और एक सागौली में, तो उसकी हमने खबर चलाई, जिसको लेकर कलेक्टर साहब ने मुहे निरस्तीकरण के उसके आदेश भी दिए हैं और RES के जो यादव जी हैं उनकी मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, उन्होंने बोला है कि वो निरस्त करने के लिए प्रस्तावित कर रहे हैं, प्रतिवेदन बना रहे हैं और इसको लेकर ये लोग बौख ला रहे थे। हालांकि मैं मगरौन में रहा हूँ तो मुझे ऐसा नहीं था कि ये सब हो जाएगा, लेकिन इनने जैसे फोन लगाया तो मैं मगरौन पहुंचा और जैसे पहुंचा हूँ तो वहाँ गाड़ी रुकाई तो है ही मैंने, तो बस मैं गाड़ी से उतर नहीं पाया और इन्हें ये गाली गलौज करते हुए मैंने गाड़ी को बैठी बैठी बोला कि ये गाली का बोल रहा हूँ क्या हुआ है, लेकिन ये कोई अखिलेश गर्ग नाम का है जिसने फोन लगाया था, उसका नंबर भी रिकॉर्डिंग उसने बुलाया था हमें, तो उसने ये जो कुछ थोड़ा दीजिए था चाकू आपको। कितने लोग थे? 3 लोग थे, हालांकि उनने 2 बार मारा, 2 बार तो मैंने बचने का प्रयास किया। क्या नाम? तो हाथ में लगा है, एक राजन तिवारी है, एक अखिलेश गर्ग है और एक विपिन तिवारी है।